हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंदना खाना खजाना। आज हम बनाने जा रहे हैं खमन ढोकला, तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। आज हम बनाएंगे खमन ढोकला। तो इसके लिए हमें चाहिए बेसन, चीनी, नमक, थोड़ा हल्दी और पानी। तो हमने इसमें दो छोटी कटोरी बेसन लिया है और छान लिया है। पहले छानना बहुत जरूरी है, तो पहले हम इसमें डालेंगे बेसन। इसमें चुटकी भर हल्दी और एक चम्मच नमक और दो चम्मच हम डालेंगे चीनी। पानी हमने दो गिलास लिया है, उसको हम धीरे धीरे मिलाएंगे और पानी देखेंगे कितना लगेगा। इसको अच्छे से मिलाना है, बिल्कुल लम्स नहीं होना चाहिए इसमें। और इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन हो तो डालिए, नहीं आपको पसंद है तो आप नहीं डालिए। एक चम्मच हम हरी मिर्ची अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे छोटा चम्मच विनेगर। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मेरा मिक्स हो गया है बैटर। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ढक के छोड़ देंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब इसमें हम जिसमें ढोकला बनाना है उस ट्रे को हमने थोड़ा ऑयल डाल के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। दस मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे, फिर इसमें हम इनो डालेंगे, पानी डालेंगे, फिर इसका अच्छे से घोल तैयार करेंगे। अब 10 मिनट हो गया है, चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। ये मेरा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे इनो। इनो डालेंगे एक बड़ा चम्मच। और इसमें डालेंगे थोड़ा पानी। ये देखिए कितने अच्छे से फर्मेंट हो गया तुरंत। तो इनो डालने से ये होता है कि तुरंत तैयार हो जाता है। अब इसको हम तुरंत इसमें ट्रांसफर कर लेंगे ट्रे में अपने, और इसको हम रख देंगे, टैप कर देंगे एक बार और गैस पे रखेंगे अपने स्टीमर में। ये मेरा पानी गर्म हो गया है, इसमें हम ढोकला रख देंगे।
बहुत ही संभाल के रखिएगा, गर्म होता है। इसको स्लो आंच पे हम रखेंगे 20 मिनट के लिए। अगर आपकी गैस बहुत ही स्लो हो तो थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं। मेरा फ्लेम इसका बहुत तेज है तो हमने स्लो पे रखा है। अब 20 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर डिमोड करेंगे। इसमें पहले हम कोई टूथपिक डाल के टेस्ट कर लेंगे। अगर ये क्लीन निकलेगी तो मतलब आपका ढोकला हो गया है। ये बिल्कुल क्लीन है, इसके मतलब ढोकला हो गया है। अब इसको हम बहुत ही संभाल के निकालना है, बहुत गर्म है तो पहले हम इसको साइड में कर लेते हैं, फिर निकालते हैं। इस पे हम तड़का बनाएंगे, तड़के का पैन चढ़ा लेंगे, इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ढोकला मेरा तैयार हो गया, अब इसको ठंडा करेंगे फिर डीमोल्ड करेंगे। तब तक हम अपने तड़के की तैयारी कर लेते हैं। पैन को गर्म हो जाएगा, इसमें हम ऑयल डालेंगे। लगभग 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा तभी इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हमने लिया है राई और 5-6 हरी मिर्चें जो स्लिट करके हमने रख लिया था, राई डालेंगे। और नींबू का रस हमने लिया है 1.5, 1.5 नींबू है इसको, हमने इसका जूस निकाल के रख लिया है। और चीनी 2 चम्मच चीनी डालेंगे। डाल के तो गैस को हम एकदम स्लो कर देंगे। अब इसमें हम राई डालेंगे। बहुत ही संभाल के करिएगा, राई जो बहुत लगने का डर रहता है। और हरी मिर्ची और ये करी पत्ता है, थोड़ा करी पत्ता भी डाल देंगे। ये हरी मिर्ची मेरी हो गई बिल्कुल। चीनी डालेंगे हम 2 चम्मच। पानी आपने ध्यान दिया होगा, पानी वही है जो हमने 2 गिलास लिया था। 1 गिलास लगा, पूरा 1 गिलास बचा है मेरा। फ्लेम को थोड़ा तेज कर देंगे, पानी थोड़ा और डालेंगे। फ्लेम धीमा कर देते हैं, इसमें डालते हैं नींबू का रस। गैस को बंद कर देंगे। तड़का मेरा तैयार हो गया है। वाह, देख रहे कितना स्पंजी बना है ये। इनको हम कट कर लेंगे। ये देखें, इसको हम दिखाते हैं। ये देखिए इसका स्पंज, देखिए कितना ज्यादा स्पंजी है ये। इसको हम रख देंगे। अब इसमें हम डालेंगे किनारे का, थोड़ा पतला हो जाता है, कोई नहीं। इसमें हम डालेंगे अपना तड़का जो हमने तड़का तैयार किया था।
इसको धीरे धीरे अच्छे से इस पे डालेंगे। सजाने के लिए थोड़ा नारियल भी डाल देते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है आप। अब ये हम आपको दिखाते हैं कितना जूसी हो गया है, ये देखिए जूस इसमें से गिर रहा है। अब इसको हम ये देखिए बिल्कुल मेजरमेंट जैसे हमने बताया है वैसे ही लेंगे, तो आपका आपका भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा।